सभी किसान भाइयों का मेरे YouTube चैनल एग्री गुरु RK पर स्वागत है। देखो किसान भाइयों, मैं हमेशा जैविक या कार्बनिक खेती की बात करता हूँ और मैंने खुद इस पर काफ़ी अनुभव किया है, क्योंकि मैं कृषि अध्यापक हूँ और लगभग 26-27 साल से अपना कृषि कार्यरत हूँ। तो मैं अपने अनुभव के आधार पर आपको वीडियो डालता हूँ और आपका काफ़ी सहयोग मिल रहा है, तो इसी प्रकार मेरे वीडियो को देखते रहो। तो किसान भाइयों, मैं आज बात करूँगा केवल नींबू की खेती के बारे में। देखो, मैंने पिछले साल ये नींबू खेती शुरू की थी और इसके अंदर मैंने काफ़ी मात्रा के अंदर है मिश्रित खेती की है। अब जैसे आप देख रहे हो कि इसके अंदर मैंने देखो ये है सरसों खेती कर रखी है। इससे क्या होगा, इससे मुझे दो प्रकार का लाभ है। एक तो जैसे अब सर्दी के दिन थे काफ़ी, तो सर्दी के दिनों में सरसों ने, अब देखो नीम का ये नींबू का पेड़ है कितना हरा भरा और स्वस्थ है। यदि हमें इसकी रक्षा सर्दियों में नहीं करते तो ये पाले से सूख सकता है, इसके काफ़ी हानि हो सकती है। लेकिन मैंने इसके साथ एक जैविक तरीके से सरसों की खेती की, तो इससे मुझे दोनों प्रकार का लाभ हुआ। एक तो हमारा जो नींबू का बाग है ये पाले से इसकी रक्षा हुई और दूसरी हमें सरसों के रूप में काफ़ी आमदनी होगी। तो किसान भाइयों, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि यदि आप जैविक खेती की तरफ ध्यान देते हो, जीरो बजट की खेती की तरफ ध्यान देते हो, तो आप बागवानी के साथ साथ मिश्रित खेती करके भी काफ़ी मात्रा में पैसा कमा सकते हो। और देखो किसान भाइयों, यदि आपको रसायनों से बचना है, अपने जीवन को सफल बनाना है, तंदुरुस्त रहना है, तो हमेशा अपना जैविक खेती करो और बागवानी के साथ साथ मिश्रित खेती करो। अब देखो हमारे नींबू का बाग है, तो मैं नींबू के पौधे के देखो काफ़ी मात्रा में पौधे आपको कितने स्वस्थ और हरे भरे दिखाई देंगे। अब देखो ये पौधे देखो मेरे काफ़ी मात्रा में काफ़ी स्वस्थ और हरे भरे हैं। देखो एकदम हरा भरा स्वस्थ है नींबू का पौधा। इससे पाले का इसके ऊपर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं है, एकदम हरा भरा सुंदर नींबू का पौधा है। देखो किसान भाइयों, ये छोटा पौधा लगभग 7 या 8 महीने का पौधा है। इसमें अब फ्लावरिंग देखो, फूलों की मात्रा इसमें अब आ चुकी है और गर्मी के दिनों में इसके फल लगने शुरू हो जाएंगे। तो जैविक खेती का ये लाभ है कि छोटी सी उम्र है इसकी, लगभग 7-8 महीने का पौधा है और इसकी फ्लावरिंग देखो एक ज़बरदस्त फ्लावरिंग है और इसे हमें काफ़ी मात्रा में नींबू ले सकते हैं। और देखो किसान भाइयों, ये लगभग 7 या 8 महीने का पेड़ है और जैविक खेती का, जैविक खादों का ये लाभ हुआ कि पौधा एकदम तंदुरुस्त है और लगभग 5 फुट से ऊंचा हो चुका है। तो किसान भाइयों, मेरी आपसे ही प्रार्थना है कि आप जैविक खेती की तरफ ध्यान दो, जीरो बजट की खेती करो। जय जवान, जय किसान, धन्यवाद।